तो आज का जो टॉपिक है वो है काइनमास्टर एप्लीकेशन से फोटोज़ का वीडियो बनाने के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप भी फोटोज़ का वीडियो बनाना चाहते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन से, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लोगे, बहुत ही आसानी से आप भी एक अच्छा वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद सेव कर सकते हैं, उसको बाद में आप फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार वीडियो बन जाता है काइनमास्टर एप्लीकेशन से, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके जाना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय मंगवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर में जाएं, इसे कर लीजिए डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद इसे जब ओपन करोगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा, जहां आप देखिए प्लस का निशान दिखाई दे रहा है ना, यहां पे आपने कर देना क्लिक। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन यहां दिखाई देते हैं, किस साइज में आपने मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना है, वीडियो जो रिकॉर्ड नहीं मतलब वीडियो क्रिएट करना है, ठीक है ना। तीनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस जे वाला। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ आपने मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जो भी फोटोज या वीडियोज हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। आपने अपनी फ़ोटोज़ को कर लेना है, मतलब चूज़ कर लेना जिन जिन फ़ोटो की आप वीडियो बनाना चाहते हैं। जहां मैंने चार फोटो सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहां ऊपर राइट साइड टिक का निशान है, यहां पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करने के बाद जहां से होता है प्ले, वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं वीडियो कैसा है। ये तो सिंपल सा वीडियो है, इसमें इफेक्ट वगैरह डाल के इसको आप और अच्छा बनाओगे। इसमें म्यूजिक ऐड करना है, वो भी देखते रहिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वो भी सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे भी मैं रोक देता हूँ वीडियो को। ये देखिए, ये पिक्चर का टाइम देखिए एक बार, जहाँ नीचे टच करना है, ठीक है ना। उसके बाद पिक्चर का जो टाइम है उसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। कितने टाइम बाद आप फोटो को, अपनी पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फ़ोटो चेंज होता है जब, उसमें मतलब सिंपल रखना है तो कोई भी इफेक्ट मत डालिए। अगर कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं, जहाँ माइनस का निशान दिखाई दे रहा है इस पर एक बार टच कर दीजिए। टच करने के बाद राइट साइड देखिए इफेक्ट वगैरह आ जाएंगे, जो इफेक्ट आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है ना। लगाने के बाद मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, जहाँ मैंने एक फ़ोटो पे लगाया देखिए, फिर कुछ इस तरह से चेंज हुआ। ये इफेक्ट लगाया था ना, ये सिंपल है। अभी मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया ना, वो आप अपनी मर्ज़ी से बना लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद म्यूज़िक ऐड करना है। म्यूज़िक ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ ऑडियो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सॉन्ग आ जाएंगे, जो आपके मोबाइल के स्टोरेज में, जहाँ साइड में देखिए फोल्डर वगैरह भी आ जाएंगे, ये सॉन्ग आ जाएंगे, जो आप चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्लिक करना है, जहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना है और टिक के निशान पे क्लिक कर देना है, वो सॉन्ग आपकी फ़ोटो के नीचे सेट हो चुका है, आ चुका है, वीडियो बन चुका है लगभग। अब आप इस वीडियो को करना है सेव। सेव करने के लिए जहाँ देखिए लेफ्ट साइड शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, जहाँ अपने साइज इसका कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उस हिसाब से क्लियरिटी होगी, कम साइज की कम क्लियरिटी होगी। एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है सेव करने के लिए। तो उसके बाद जहाँ इसे नो थैंक्स कर दीजिए, सेव होने लगा है, आपकी गैलरी में आ जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।